Hello, hi, welcome back with your favorite channel ABCs of Biology. And in this video, we'll be discussing few previous year question of CSIR NET. Let's begin then. First question is, Sistral's complementation test is carried out to identify option number A is two mutations are allelic in nature. If two genes interact with one another, और दी नंबर ऑफ जीन जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिनोटाइप को और टू अंडरस्टैंड द डोमिनेंस और रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन एलील. तो सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? इफ ट्यू म्यूटेशंस जो है वो एलीलिक हैं कि नहीं है. इफ़ दे आर एलील तो उससे क्या होगा? हमको फंक्शनल प्रोटीन नहीं मिलेगा. और अगर वो अलील नहीं है तो जब उनका पेयरिंग होगा तो हमको फंक्शनल प्रोटीन मिलेगा. तो ये किस लिए यूज़ होता है कि टू आइडेंटिफाई कि ये जो दो म्यूटेशन हैं ये सेम अलील में नहीं हो रहे हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. फर्स्ट आई विल गिव अ मिनट टू सॉल्व द आंसर एंड देन वी विल डिस्कस. सो solve the question number 2. Okay, the following is the inheritance pattern of a trait under observation. तो वो सबसे पहला कौन सा पैटर्न है कि trait often skip जेनरेशन, वो जेनरेशन स्किप करता है. तो जेनरेशन स्किप कर रहा है तो ये क्या प्रूव करता है कि वो रिसेसिव ट्रेट है. अगर वो डोमिनेंट होता तो अगर वो पेरेंट में होता तो वो नेक्स्ट जेनरेशन में भी प्रोजेनी में ऑब्जर्व होता ही. तो ये अगर फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन में जेनरेशन स्किप कर रहा है तो दिस इज़, अगर ये पेरेंट्स में होता, अगर ये ऑटोस डोमिनेंट होता तो ये हर एक प्रोजेनी में हमको दिखता. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ अफेक्टेड मेल एंड फीमेल आर ऑलमोस्ट इक्वल. तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर या ट्रेट है. सिंस अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो किसी एक उसमें हमको मेल या फीमेल में ये ज़्यादा दिखता बड़ा एज कम्पेयर टू ये इक्वल दिख रहा है. तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के बारे में बात हो रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंगस एसोसिएटेड विद ह्यूमन ओरल या वेजिनल इन्फेक्शन इज कैंडिडा. इसका आंसर है कैंडिडा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर द लॉजिस्टिकली ग्रोइंग पॉपुलेशन विद एन प्लॉटेड एज एंटी प्लॉटेड, यानी एंटी यानी टोटल पॉपुलेशन, एंटी प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस. वट इज द पैरामीटर प्लॉट किया गया है जो वाई एक्सिस पर है, तो वो क्या है? दिस इज dn बाय dt, चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम. को जब हम प्लॉट करते हैं तो हमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट लीव एनी पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस. तो पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस यानी बोन्स जब इकट्ठा करते हैं या जो बोन्स जब हम मिलते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो किस डिजीज़ में हमको उस डिजीज़ के होने का एविडेंस नहीं मिलेगा? क्या वो टीबी हो सकता है? नहीं, क्योंकि टीबी बोन्स में होती है. बोन्स में होगी तो वो दिखेगा. अर्थराइटिस बोन का डिजीज़ है, रिकेट्स भी बोन में होता है, लेकिन कोलरा विल नॉट बी ऑब्जर्वड इन पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल फर्मेंटेशंस आर एनारोबिक. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन.
सो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो कि एनारोबिक कंडीशन में होती है उसका आंसर है इथेनॉल एंड एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल। सो ये दोनों फर्मेंटेशन प्रोसेस इथेनॉल और ये एनारोबिक कंडीशन में दिया जाता है। इथेनॉल का आपने पढ़ा भी होगा, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी बेकर्स यीस्ट को यूज़ किया जाता है और एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप हैव बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। तो इसका आंसर है कॉटन इज बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन। नेक्स्ट इज यूजिंग फ्रैप। फ्रैप क्या होता है? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग होता है। ये टेक्निक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ सेल को फोटो, जो कि पहले फ्लोरेसेंस एक्टिविटी एक्टिव था उसको फोटो ब्लीच कर दिया जाता है, जिससे अब वो फ्लोरेसेंट एक्टिव नहीं रहता है। और फिर देखते हैं कि इस एरिया में कितनी देर के बाद हमको फिर से फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट देखा गया ऑफ थ्री इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, M1, M2, M3 का, इसका किडनी सेल्स का, और ये देखा कि M1 का 1 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, M2 का 0.05 और M3 का 0.05 माइक्रोमीटर पर सेकेंड के बेसिस पर इनका डिफ्यूजन देखा गया है। कंसिडरिंग फ्लूड मोजाइक नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फ्लूड मोजाइक में क्या बोलते हैं कि हमारे प्रोटीन्स जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन में फ्लोट करते रहते हैं और मूव करते रहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो कंसिडरिंग फ्लूड मोजाइक नेचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब हमारा प्रोटीन जो है वो इंटीग्रेटेड है इन दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, उसमें दो डोमेन है, एक बाहर की तरफ प्रोट्रूटेड है और एक मेम्ब्रेन के अंदर गई हुई है विद डिफ्यूजन कोफिशेंट। तो ये बोल रहा है वो कौन सा प्रोटीन होगा जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन होंगे। तो जितने ज़्यादा इंटीग्रल डोमेन ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन कोफिशेंट कम। तो हाईएस्ट पूछा है तो सबसे कम डिफ्यूजन कोफिशेंट 0.05 विच इज़ ऑफ M3। तो अपना आंसर क्या हुआ? सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ माइकल मेंटन एंजाइम काइनेटिक्स के ऊपर है ये क्वेश्चन, और इन्होंने बोला कि एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से हमको एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है जो ब्रेक डाउन करके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट को रिलीज करता है, और ये हमको कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं रिएक्शन कॉन्स्टेंट। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ के कैट एंड देयर रिलेशनशिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स के बारे में क्या पूछा है? ट्रू कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो हमको ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? KM रिप्रेजेंट एसोसिएशन कॉन्स्टेंट। क्या KM एसोसिएशन कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करता है? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। KM रिप्रेजेंट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, यस, ठीक है। तो लेकिन अभी भी दो ऑप्शन हैं जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? के कैट इज द रेट कॉन्स्टेंट फॉर केमिकल कन्वर्जन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स टू सब्सट्रेट बाउंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट। क्या के कैट उसको बताता है? नहीं, के कैट उसको नहीं बताता। तो लास्ट ऑप्शन फोर्थ बचता है और अपने पास दो ही कॉम्बिनेशन बचे हैं। और के फोर्थ ऑप्शन क्या है? के कैट एंड के एम इज द रेट कॉन्स्टेंट दैट रेफर टू प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ अ फ्री एंजाइम एंड फ्री सब्सट्रेट। तो ये हमको वो प्रॉपर्टीज बताता है जिस कैटालिटिक एफिशिएंसी जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट एंजाइम्स एंड डिफरेंट सब्सट्रेट्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने को व्हाट आर दी ए बी सी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। ए बी सी कहाँ है? ए बी सी जो कि इस रिएक्शन से हमको दिख रहा है,
ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बन रहा है, एंड ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट हैव मल्टीपल फेट्स, तो वो अलग अलग पाथवे के अंडर जाके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, बना सकता है। जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से अगर ग्लूकोज वन फॉस्फेट बन रहा है, तो ग्लूकोज वन फॉस्फेट एक्ट एज अ मोनोमेरिक यूनिट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, तो ए क्या बनेगा, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन सी में मेरे को ग्लाइकोजन दिख रहा है और ऑप्शन डी में मुझे ग्लाइकोजन दिख रहा है। नेक्स्ट है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ही एज अ सब्सट्रेट यूज होगा, और उससे क्या बनेगा, या तो पाइरुवेट या सिट्रेट। तो पाइरुवेट या सिट्रेट नहीं बनता है, पाइरुवेट या एसिटाइल को ए बनता है, तो यहाँ पर पाइरुवेट दिया है। नेक्स्ट है सिक्स फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या बनता है, राइबोज 5-फॉस्फेट, जो कि डीएनटीपीज बनाने में नेक्स्ट हमारा हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ABCs ऑफ बायोलॉजी फॉर वीडियोज लाइक दिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई गलती है तो डू लाइक डू टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।